जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड में एडमिशन आपको किस तरीके से लेना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे दो साल का अपना बीएड कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका बीएड वैलिड नहीं होता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको बीएड कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, और जब आप बीएड करें तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें। तो यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आप बीएड कर भी रहे हैं तो भी वीडियो को आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बीएड यानी कि बैचलर इन एजुकेशन, सभी को पता है हमारा ये दो साल का डिग्री कोर्स है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, हमारा ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि यूजी में आता है, पीजी में आपका ये नहीं आता है, होता ग्रेजुएशन के बाद में है लेकिन आता किसमें, भी आपका यूजी में आता है। अब इसको करने से पहले यानी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला है जो आपका एडमिशन है, आप कोशिश करें जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन लें। यानी कि जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद में एंट्रेंस के बाद में आपका काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद में एडमिशन कराए जाते हैं। तो कोशिश करें आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, यानी कि हर स्टेट में होता है एग्जाम, आप बिहार में भी होता है, कुछ स्टेट में आपका मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है। तो कोशिश करें आप जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें आप बीएड करें। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में भी, दो तरीके से एडमिशन होते हैं, एक आपका काउंसलिंग के थ्रू हो गया, दूसरा होता है जो माइनॉरिटी के थ्रू होता है। तो माइनॉरिटी के थ्रू जो आपके एडमिशन होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन भी हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, तो वो भी आप एडमिशन ले सकते हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको बीएड कराती है। किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अब दूसरा है, किसी कारणवश आप अपना एंट्रेंस के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अपना बीएड नहीं कर पाए हैं, तो आप जाते हैं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आप वहां से भी बीएड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वहां पर, इन चीज को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें, सबसे पहले आप उसका ये चेक कर लें कि उसको एनसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। यदि एनसीटीई का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आप जो वहां से बीएड कर रहे हैं तो आपका बीएड वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि एनसीटीई अप्रूवल नहीं है तो उसके बाद में वो जो आपका बीएड होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसी यूनिवर्सिटी से आप करें, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि एनसीटीई का अप्रूवल के लिए उन्होंने फाइल लगाई हुई है और अपने एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उनको एनसीटीई का अप्रूवल नहीं मिलता है और बच्चों की डिग्री या तो वो दे देते हैं, और वो यदि डिग्री दे देते हैं तो फिर वो आपकी डिग्री उनकी मान्य नहीं होती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आप ये भी देख लीजिएगा जो यूनिवर्सिटी है वो किस कैटेगरी में आती है, यानी कि उसको कौन सा ग्रेड मिला हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसको एनसीटीई से जो सीट मिली हुई है बीएड के लिए, 100 सीट मिली हुई है या 200 सीट मिली हुई है, उसके बावजूद भी वो उस पे 500 एडमिशन, 1000 एडमिशन या 1000 बीएड करा देते हैं उसी सेशन में। तो अब वो यदि वेरिफिकेशन की बात आती है तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो इन दो चीजों को जरूर देख लीजिएगा कि वहां पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की वो यूनिवर्सिटी है और क्या उसकी रैंक आती है। तो कहीं ना कहीं यदि आप जैसे थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहां पर आप फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बीएड को करने का सही तरीका क्या है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, आपको बीएड करने का सही तरीका क्या है। साथियों, जब भी आप बीएड करें तो बीएड आपका क्या है, रेगुलर कोर्स है। बीएड आप रेगुलर करें तो कोशिश ये करें कि आप बीएड को रेगुलर करें, नॉन अटेंडिंग में ना जाएं। दूसरा है, बीएड में जब आप एडमिशन लें उसके साथ साथ आप अपना पीजी भी अप्लाई करें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट मोड से या डिस्टेंस मोड से या ओपन मोड से। उसका बेनिफिट ये होगा, जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं और साथ के साथ यदि आप अपना पीजी भी अप्लाई कर लेते हैं तो उस समय आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। वो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो पीजीटी में आपको क्या मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है प्लस बीएड। और बहुत सी सारी जगह क्या है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो या ना हो, तो वहां पर यदि आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है और आपने सिर्फ बीएड किया हुआ है, आपका जो पीजी है
नहीं है तो आप वहां पर फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में फिर आप जो है रह जाते हैं, फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो सही तरीका यही है कि आप जब भी बीएड करें तो बीएड के साथ में आप जैसे बीए करके बीएड कर रहे हैं तो साथ में आप जब बीए के बाद में बीएड में अप्लाई करें तो साथ के साथ आप अपना एमए प्राइवेट से या फिर ओपन से या फिर अपना डिस्टेंस से जरूर करें, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब भी आपके पीजीटी के फॉर्म आएंगे उनको आप भर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बीएड करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर आप अपने पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे उसके एडवांटेज हैं, यानी कि आप मास्टरेट भी हो जाएंगे आप अपने कोर्स में, चाहे वो आप जैसे बीकॉम के बाद में करते हैं तो फिर उसके साथ में आप एमकॉम कर सकते हैं डिस्टेंस से और साथ के साथ आप बीएड कर सकते हैं। तो साथियों आई होप आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपका बीएड को लेकर या कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।